प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रद्धा सिंह एक बार फिर आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अध्याय 6 शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि शब्द रचना, तो शब्द रचना का अर्थ क्या होता है बेटा? शब्द का निर्माण करना। तो शब्द रचना में हम लोगों ने पिछले वीडियो में उपसर्ग के बारे में जाना था कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था। तो आज हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि प्रत्यय किन शब्दों से बना है, इससे प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रत्यय किन शब्दों से बना है, तो प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है। कौन सा शब्द है बेटा? तो प्रति धन आय। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है। कौन कौन सा? प्रति धन आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में, और आय का अर्थ होता है चलने वाला। देखिए यहां प्रत्यय क्या है? दो शब्दों के योग से बना, यानी दो शब्दों को मिला के बना है। कौन से दो शब्द है बेटा? तो प्रति धन आय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और आय का क्या अर्थ होता है? चलने वाला। तो ये क्या है? प्रत्यय जो होता है वे अभिकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं और इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। जो प्रत्यय है वे अभिकारी शब्दांश होते हैं और जिनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं, इनको क्या करते हैं? शब्द के अंत में लगाते हैं, तो जिससे वो क्या होता है? नया शब्द बनता है। तो इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे कि जो शब्दांश, शब्दांश सब जानते हैं ना कि शब्द का अंश, शब्द का भाग, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता, नवीनता अर्थात क्या होता है बेटा? परिवर्तन, नवीनता लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में नवीनता अर्थात परिवर्तन लाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग में क्या था कि शब्द के पहले जुड़कर, जो शब्द शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, और प्रत्यय में क्या है कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसमें क्या लाते हैं, उनके अर्थ में नवीनता अर्थात परिवर्तन लाते हैं, तो वे प्रत्यय कहलाते हैं। इसको आप उदाहरण द्वारा समझिए। जैसे हमारा मूल शब्द है भूल, भूल का अर्थ क्या होता है बेटा? गलती। भूल का अर्थ होता है गलती, उसमें लग गया है अक्कड़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूलक्कड़। भूलक्कड़ इसका क्या अर्थ हो जाएगा बेटा? भूलने वाला। देखिए मूल शब्द क्या था हमें, हमारा बेटा भूल, तो भूल क्या क्या हो गया, उसका अर्थ क्या होता है? गलती। और जब हमने प्रत्यय अक्कड़ लगाया तो क्या हो गया? भूलक्कड़ अर्थात भूलने वाला। उसी प्रकार दुकान, दुकान आप लोग जानते हैं क्या है? स्थान है। दुकान क्या है बेटा? स्थान, उसमें दाग लग गया तो क्या हो जाएगा? दुकानदार अर्थात दुकान का मालिक। देखिए अर्थ में अंतर हो गया ना, जब हम लोगों ने प्रत्यय लगा दिया और जो नया शब्द मतलब शब्द रचना जब मैंने किया तो उसमें क्या हो गया? उसका अर्थ भी बदल गया। जैसे भूल का अर्थ होता है गलती, उसमें अक्कड़ लग गया तो क्या हो गया? भूलक्कड़, और उसका अर्थ क्या हो गया? भूलने वाला। उसी प्रकार दुकान क्या है? स्थान है, और उसमें दाग लग गया तो दुकानदार अर्थात दुकान का मालिक। उसी प्रकार भारत क्या है? देश, और उसमें ई लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? भारतीय। इसका क्या हो जाएगा? भारत
रहने वाला। हम लोग भी तो भारतीय क्योंकि भारत देश में ही रहते हैं, तो भारत क्या हो गया, देश हो गया। भारत का अर्थ जगत तो देश का नाम है, और जो हमने ये लगा दिया तो क्या हो गया, भारतीय। मतलब तो जो भारत देश में रहते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, भारतीय। उसी प्रकार झगड़ा, झगड़ा का अर्थ होता है लड़ाई। झगड़ा का अर्थ क्या होता है बेटा, लड़ाई। उसमें हम लोगों ने आलू, इसको जब हम लगा दिए तो क्या हो गया, झगड़ालू अर्थात झगड़ा करने वाला, मतलब लड़ाई करने वाला। कभी कभी हमें हम लोग कभी कभी आप सुने होंगे कोई झगड़ा कर देते नहीं लोग कि बहुत वो झगड़ालू है, तो उसमें देखिए झगड़ा का होता है लड़ाई, और जब उसमें आलू लग गया तो क्या हो गया, झगड़ालू, यानी झगड़ा यानी लड़ाई करने वाला। तो ये क्या है, ये प्रत्यय। देखिए ये जो हमारे मूल शब्द है और उसमें हमने प्रत्यय लगा दिए, तो उनसे क्या हो गया, ये नया शब्द जो बना तो उसका अर्थ भी बदल गया। तो प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा, कि जो शब्द शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके बाद हम लोग प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के भेद अर्थात प्रत्यय के प्रकार, कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कौन कौन से बेटा, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उपसर्ग चार प्रकार के होते हैं, लेकिन प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। उसके बाद सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं। जो प्रत्यय क्रिया, क्रिया आप लोगों को पता ही है, क्रिया के धातु रूप के अंत में, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो वही कहा है कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आप ऐसे भी इसको परिभाषित कर सकते हैं कि क्रिया के अंत में लगकर संज्ञा और विशेषण का रूप देने वाले शब्दांश कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो उसके बाद आप इसको उदाहरण द्वारा ही समझेंगे, लेकिन एक विशेष इसमें ये भी है कि कृत्य प्रत्यय लगने के उपरांत बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जब कृत प्रत्यय से जो शब्द बन जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, कृदंत, उन्हें हम कृदंत कहते हैं। तो उदाहरण द्वारा समझिए, जैसे कृत प्रत्यय मूल शब्द और शब्द रचना, तो यहाँ दिया है आई, आई हमारा क्या है, कृत प्रत्यय है, और मूल शब्द क्या है, चर लिख। तो जब हम इससे नया शब्द बनाएंगे, इसका शब्द रचना का निर्माण करेंगे, नए शब्द बनाएंगे, तो क्या होगा, चढ़ाई, उसके बाद लिखाई। देखिए बेटा उसी प्रकार औना, औना हमारा प्रत्यय है, खेल और बीज हमारा मूल शब्द है, तो क्या हो जाएगा, खिलौना, उसके बाद बिछौना। उसके बाद है हार, होना, पालन। तो जब हम हार कृत प्रत्यय लगाएंगे मूल शब्द के साथ, तो आप जानते हैं कि प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के अंत में, तो होना, होनहार, उसके बाद पालनहार, उसके बाद देखिए वाला, रख
दे, तो क्या हो जाएगा रखवाला देखने वाला उसी का क्या है अनि अनि हमारा क्या क्या है रित प्रत्यय है अब पूज और पट हमारा मूल शब्द तो क्या हो जाएगा पूजनीय और पठनीय तो देखिए ना ये नए शब्द का निर्माण हुआ है और ये क्या है ये हमारे मूल शब्द है और कृत प्रत्यय है तो प्रत्यय के हमेशा क्या लगे हैं शब्द के अंत में प्रत्यय हमेशा क्या लगते हैं शब्द के अंत में लगते हैं और उससे नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो कृत प्रत्यय देखिए क्रिया क्रिया शब्द के धातु के रूप में या क्रिया शब्द के अंत में लगकर उसे संज्ञा और विशेषण का रूप दे देते हैं तो वे शब्दांश क्या कहलाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं तो कृत प्रत्यय किसे कहते हैं जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं और कृत प्रत्यय से बने शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं कृदंत कृत प्रत्यय लगने के उपरांत जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा कृदंत तो ये था कृत प्रत्यय अब हम तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे प्रत्यय के दूसरे प्रकार तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय इसके पहले हम लोगों ने कृत प्रत्यय के बारे में जाना था और प्रत्यय के प्रकार में दूसरा हमारा है तद्धित प्रत्यय इसको देखिए वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं सॉरी बेटा यहाँ शब्द छूट गया है नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं ये क्या होगा वे शब्दांश जो शब्द का अंश होता है तो वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं इसको देखिए कि तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्दों को तद्धितांत शब्द कहते हैं तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं तो जैसे मान लीजिए इसको हम लोग कैसे देखेंगे जैसे मान लीजिए तद्धित प्रत्यय मूल शब्द और शब्द रचना तो देखिए इक एरा आना आर ये हमारे क्या है तद्धित प्रत्यय है और मूल शब्द है समाज इतिहास चाचा फूफा मामा रोज मेहनत लोहा सोना तो जब हम इसे शब्द रचना कैसे करेंगे तो इसको ध्यान से देखिए जैसे इक लगा के हमें शब्द रचना करना है समाज में तो क्या हो जाएगा सामाजिक उसी प्रकार इतिहास में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा ऐतिहासिक उसके बाद है एरा का जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा चाचा में चचेरा फुफेरा ममेरा देखिए बदल जा रहा है ना शब्द रचना नया हो जैसे चाचा हम कहते हैं और जब हम लोग उस मेरा लगा लगा तो क्या क्या चचेरा नहीं तो कहते वो मेरा चचेरा भाई है उसी प्रकार फूफा है अगर हमने ऐसे एरा प्रत्यय लगा तो क्या हो गया फुफेरा तो ऐसे क्या हो गया ऐसे हमने शब्द रचना बना लेते हैं नए शब्दों का निर्माण हुआ उसके बाद है आना रोज मेहनत तो क्या हो जाएगा रोजाना उसके बाद मेहनताना उसी प्रकार है लोहा सोना हमारा मूल शब्द है इसमें कौन सा तद्धित प्रत्यय लगा रहे आर तो क्या हो जाएगा लुहार सुनार देख ली ये नए शब्दों का निर्माण तद्धित प्रत्यय से हम लोगों ने मूल शब्द में लगाए हैं तीन नए शब्दों का निर्माण किए हैं तो तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं बेटा तो वे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के योग से बने शब्दों को तद्धितांत
पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को प्रत्यय समझ में आया होगा। धन्यवाद।